हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके बीए फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का पेपर नंबर 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ एग्ज़ाम के लिए। अगर आप लोग भी 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और आने वाले वर्षों में जो भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बीए फिफ्थ सेमेस्टर का आज ये न्यू सॉल्व मॉडल पेपर है और मैं इसमें सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगी। आज का यह वीडियो महासंग्राम क्लास है। देखिए, जो आपके बीए फिफ्थ सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर का पेपर नंबर 1 है उसका नाम है क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। उसकी जो 1 से लेकर 8 तक की यूनिट्स हैं वो पूरी मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर आपने पढ़ लिया है हमारे चैनल पे विजिट करके तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपसे बार बार कहती हूँ आप लोग क्लास किए रहेंगे तो आपके लिए और भी आसानी रहेगी, चाहे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होती हो या फिर सब्जेक्टिव पेपर होती हो। तो अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं तैयार किया है तो आज की इस वीडियो के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेना। क्वेश्चन के साथ साथ मैं आंसर भी बताऊंगी जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, और 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अभी तक आपने कुछ नहीं तैयार किया है तो ये पूरा क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूँ कि आज की वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊँगी वो सब आपके यूनिट नंबर 1 से होंगे, क्योंकि देखिए आपकी टोटल कितनी यूनिट्स हैं, 8 यूनिट। तो 8 यूनिट पर मैं 8 वीडियोस अपलोड करूँगी क्वेश्चन आंसर की। आपको पूरा वीडियो देखना है और तैयार कर लेना है, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगी आपकी परीक्षा के लिए, और उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और मैं हर सब्जेक्ट की क्लास ऐसे ही कंप्लीट कराती हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा बीए के एग्ज़ाम को पास करना। यहाँ से आप पढ़ के सक्सेस मास्टर पॉइंट से पढ़ के आप अपनी परीक्षा में बहुत ही आसानी से 80 से 90% लेकर आएंगे, क्योंकि प्रतिवर्ष जो क्वेश्चन मैं बताती हूँ वही परीक्षा में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपका पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एपिक इन लिटरेचर। एपिक क्या होता है, ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि एपिक क्या होता है। एक लंबी पोएम होती है, लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है, यानी महाकाव्य जिसको हिंदी में कहते हैं। तो फुल वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, सब उसमें ऐड कर दिया है। फुल क्लास करने में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने क्लास कर ली तो फिर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपका कभी पेपर में नहीं छूटेगा। और पूरी क्लास में कराती हूँ, उसके बाद ही मॉडल पेपर देती हूँ, क्लास पहले कराती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है वो मैं ऑलरेडी दे देती हूँ, तो आपके लिए हर एक चीज़ सिंपल हो जाती है हमारे चैनल पर, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने से। पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एपिक क्या है लिटरेचर में, इसको डिफाइन करो। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर पूछेगा। एपिक इज़ ए लॉन्ग ऑफन बुक लेंथ नरेटिव इन वर्स फ्रॉम द रिटेल्स द हीरोइक जर्नी ऑफ ए सिंगल पर्सन ऑफ और ग्रुप ऑफ पर्सन्स। देखो, जो एपिक होता है एक बहुत ही लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो बहुत लंबी होती है, महाकाव्य होता है, और ये एक हीरोइक जर्नी होती है टू ए सिंपल पर्सन, यानी एक अकेले व्यक्ति की, एक सिंगल आदमी की ये स्टोरी हो सकती है, या फिर ग्रुप ऑफ मेंबर्स की भी, यानी व्यक्तियों के समूह की भी इसमें पूरी बात या वर्णन हो सकता है। तो ये बहुत लंबी कहानी होती है, बहुत लंबी ये पोएम होती है। एपिक एक तरह की क्या होती है, पोएम होती है, लंबी पोएम होती है, जैसे आप लोग महाकाव्य जैसे जानते हैं ना, महाकाव्य वैसे ही। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई इट इज़ कॉल्ड एन एपिक, व्हाई इट इज़ कॉल्ड एन एपिक, एपिक को एपिक क्यों कहा जाता है, तो क्या वजह है कि इसका नाम एपिक पड़ा। द वर्ड एपिक कम फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक वर्ड एपोस। जो एपिक वर्ड है वो ग्रीक भाषा के वर्ड एपोस से बनकर निकला है, विच सिंपली मीन्स, जिसका सिंपल सा अर्थ होता है वर्ड नरेटिव और सॉन्ग, जिसका मतलब होता है सॉन्ग या वर्णन करना। तो एक जो एपिक होता है इसका नाम एपिक इसलिए रखा गया क्योंकि एक ऐसा सॉन्ग होता है, एक ऐसी पोएम होती है जो बहुत लंबी होती है, और इसमें एक कहानी की तरह किसी सुपर हीरो की स्टोरी को बताया जाता है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, What is the best example of an epic? Epic का best example कौन सा है? तो क्लास आपको कराई थी तभी मैंने आपको बताया था। देखिए, in literary uses, साहित्यिक प्रयोग में, the term encompasses both oral and written compositions। देखिए, literature में क्या होता है कि जो epic होता है वो oral and written दोनों form में लिखा जाता है। पहले देखिए, बहुत time पहले
जो ग्रीक राइटर थे होमर, वो ओरल एपिक गाया करते थे, मतलब वो लिखते नहीं थे, वो गाया करते थे, लंबी लंबी कविताएं वो गाया करते थे। फिर बाद में उसको लिखा भी जाने लगा ताकि उसको लिखे रहेंगे तो आने वाले लोग भी उसको पढ़ सकेंगे। तो ये क्या होता है कि रिटन फॉर्म में भी होता है, ओरल फॉर्म में भी होता है। द प्राइम एग्जाम्पल्स ऑफ ओरल एपिक आर होमर्स, द इलियड एंड द ओडिसी। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ओरल एपिक का, यानी मुँह से गाई गई, जिसको लिखा नहीं गया, गाया गया मुँह से, ओरल एपिक। होमर जो कि ग्रीक पोएट थे, बहुत ही महान ग्रीक पोएट थे जिन्होंने एपिक की शुरुआत की, तो इनकी एपिक है द इलियड। नाम नोट कीजिए, ऑब्जेक्टिव जिनका पेपर होता है अभी नोट करें, द इलियड एंड द ओडिसी, ये होमर की ओरल एपिक है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एपिक, एपिक कितने टाइप का होता है? तो देखिए, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एपिक, द फोक एपिक। एपिक जो होता है दो टाइप का होता है। फोक एपिक क्रिएटेड द डेवलप्ड थ्रू द ओरल ट्रेडिशन एंड द लिटरेरी एपिक ए स्टोरी एट्रीब्यूटेड टू ए सिंगल आइडेंटिफाइड ऑथर। जो फोक महाकाव्य होता है मौखिक परंपरा से, यानी कि ओरल ट्रेडिशन से निकल करके इसका विकास हुआ, ये डेवलप हुआ, रिटन फॉर्म में आया बाद में। ये पहले तो इसको सिर्फ गाया जाता था, लेकिन बाद में ये रिटन फॉर्म में भी आया। तो एपिक दो टाइप का होता है, ओरल एंड रिटन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 100%, इसको भी नोट कीजिए। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एन एपिक, ये 100% परीक्षा के लिए आना ही आना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एपिक होता है, एपिक से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। एपिक से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं आपके एग्जाम में, वेरी शॉर्ट लॉन्ग सब मिला करके। लॉन्ग के लिए भी वीडियो अपलोड करूँगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और लॉन्ग के लिए सबसे अच्छी बात होती है आप हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास ज्वाइन कीजिए, जो हमारे प्लेलिस्ट में ऐड है। देखिए, देयर आर मेनली 6 एलिमेंट, 6 एलिमेंट होते हैं इसके मेनली, मगर जब आपसे वेरी शॉर्ट में पूछेगा तो आप केवल 3 ही लिख दीजिएगा। यहाँ पे 3 हैं, आप इनको देख लीजिए। प्लॉट सेंटर्स अराउंड ए हीरो ऑफ अनबिलीवेबल स्टैचर। जो प्लॉट होता है वो अनबिलीवेबल होता है, यानी अविश्वसनीय कद, कद यानी कि स्ट्रेचर मतलब होता है कद, यानी लंबाई या ऊंचाई। तो जो प्लॉट होता है यानी कथानक अविश्वसनीय कद के नायक पर केंद्रित होता है। सेकेंड है इन्वॉल्व्स डीड ऑफ सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ एंड वैलोर। जो एपिक होता है इसमें अलौकिक शक्ति और वीरता के कार्य शामिल होते हैं, क्योंकि इसमें एक हीरो होता है जिसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, सुपरह्यूमन यानी कि इसमें अलौकिक शक्ति दिखाई जाती है और हीरो के अंदर बहुत ज़्यादा पावर भी होती है। थर्ड है इसका फीचर वास्ट सेटिंग, यानी कि जो इसकी सेटिंग होती है एपिक की वो बहुत ही विशाल होती है, वास्ट मतलब विशाल होती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 100% आना ही आना है, टॉप लेवल का ये क्वेश्चन है 2025 की परीक्षा में, और फिर आने वाली जो परीक्षा होगी 26, 27, 28 उसमें भी ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या है आपका क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश एपिक पोएम। 100% सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फादर ऑफ इंग्लिश एपिक पोएम, इंग्लिश एपिक पोएम के फादर कौन हैं? जॉन मिल्टन को कौन नहीं जानता? तो जॉन मिल्टन इज़ कंसीडर्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंग्लिश राइटर आफ्टर विलियम शेक्सपियर। देखिए, विलियम शेक्सपियर भी एक इंग्लिश राइटर थे जो कि पोएम भी लिखते थे, प्ले भी लिखते थे, स्टोरीज भी लिखते थे, नॉवेल सब कुछ इन्होंने लिखा है। तो ठीक उसी तरह जॉन मिल्टन भी बहुत ही बड़े इंग्लिश पोएट थे, और जो एपिक फादर हैं, इंग्लिश एपिक के फादर हैं, वो जॉन मिल्टन ही हैं। हीज एपिक पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन की जो एपिक है पैराडाइज लॉस्ट, आप लोगों ने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई एक महाकाव्य है, एक एपिक पोएम है। क्लासिकल ट्रेजेडी एंड पेस्टोरल इलेजी लिसिडेस आर वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट पोएम ऑफ देयर काइंड्स इन इंग्लिश।
देखिए, एक पैस्टोरल एलर्जी होती है जो लिसिडेस, जॉन मिल्टन ने एक पैस्टोरल एलर्जी लिखी है। एलर्जी भी एक फॉर्म ऑफ पोएट्री है जो आप बीए सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। एक ऐसी पोएम होती है जिसमें राइटर शोक दिखाता है, उदासियाँ दिखाता है। तो लिसिडेस जॉन मिल्टन की एक पैस्टोरल एलर्जी है और पैराडाइज लॉस्ट उनकी महाकाव्य है, एपिक पोएम है। तो ये सब ग्रेट एग्जाम्पल हैं जॉन मिल्टन की पोएम का, इसलिए इनको इंग्लिश एपिक पोएम का फादर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेजेडी, ट्रेजेडी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ट्रेजेडी आप पढ़ चुके हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो आपका यूनिट नंबर 1 है उसमें मैं पढ़ा चुकी हूँ। द वर्ड ट्रेजेडी रिफर्स टू ए कंपोजिशन ऑफ सीरियस और सोरफुल नेचर। ट्रेजेडी एक ऐसा ड्रामा होता है, एक ऐसा प्ले होता है, एक ऐसा लिटरेरी वर्क होता है जिसमें सीरियस और सोरफुल जो इवेंट्स होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। ये एक बहुत ही सैड स्टोरी होती है, इसके एंड में मेन हीरोइन या हीरो की डेथ हो जाती है। जो मेन हीरो होता है इस स्टोरी के अंदर, नाटक के अंदर, उसका जो कैरेक्टर होता है वो डाउनफॉल हो जाता है, उसके कैरेक्टर का पतन हो जाता है और स्टोरी पूरी तरह से सैड वाली होती है। इसकी एंडिंग हमेशा ऑडियंस को उदास करती है, बहुत ही सैड एंडिंग होती है, उसी को ट्रेजेडी कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द लेटेस्ट व्यू ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का लेटेस्ट व्यू क्या है। एंड देखिए, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है, इज़ द फॉल एंड डेथ ऑफ हीरो और हीरोइन नेसेसरी इन ए ट्रेजेडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप लेवल का क्वेश्चन है और बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो आपसे ज़रूर पूछ देगा। देखिए, जैसा कि आप सभी को मैंने बताया है कि जो ट्रेजेडी होती है एक ऐसी प्ले होता है, एक ऐसा नाटक होता है जिसमें मेन हीरोइन या हीरो का कैरेक्टर डाउनफॉल हो जाता है या डेथ हो जाती है। तो क्या दिस इज़ नेसेसरी, क्या ये बहुत नेसेसरी है ट्रेजेडी के अंदर कि मेन हीरो या हीरोइन की डेथ होना ही होना है, कैरेक्टर का डाउनफॉल होना ही होना है। तो क्वेश्चन तो बड़ा बढ़िया है आपसे जो कर रहा, तो देखिए क्या होगा इसका आंसर। एनी लिटरेरी कंपोजिशन, किसी भी लिटरेरी कंपोजिशन में विदाउट इन्वॉल्विंग डेथ ऑफ द हीरो और हीरोइन बट शोइंग हुमैन सफरिंग एज होराल्ड पिंटर्स प्ले द केयर टेकर इज ए ट्रेजेडी इन मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जितना भी लिटरेरी वर्क है जो ट्रेजेडी लिखी जाती हैं उसमें विदाउट इन्वॉल्विंग डेथ ऑफ द हीरो और हीरोइन, ज़रूरी नहीं है कि हीरो हीरोइन की डेथ भी हो, बट शोइंग हुमैन सफरिंग, इसमें मानवीय पीड़ा को दर्शाया जाता है। मानवीय पीड़ा का मतलब जो मेन हीरो हीरोइन होंगे उसमें हो सकता है बहुत ज़्यादा परेशान हो, डोमेस्टिक ट्रेजेडी भी हो सकती है ना, जो घरेलू चीज़ें दिखाई जाती हैं, मिडिल क्लास होते हैं मेन कैरेक्टर, उनके आगे पीछे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें मेन हीरो हीरोइन की डेथ ही दिखाई जाए, उसमें जो मेन हीरो हीरोइन होंगे वो बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, बहुत उनके आगे प्रॉब्लम्स होंगी, तो भी तो देखने वाले ऑडियंस को बुरा लगेगा, सैड फील होगा। तो इसमें इस तरह का होता है। होराल्ड पिंटर जो कि प्ले राइट थे, उन्होंने लिखा है एक प्ले द केयर टेकर, ये बहुत ही अच्छी ट्रेजेडी इसका एग्जाम्पल है और ये एक मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर की ट्रेजेडी है, तो याद कीजिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डिड द वर्ड ट्रेजेडी मीन ओरिजिनली, 100% आना ही आना है ये क्वेश्चन। ओरिजिनली द टर्म ट्रेजेडी रिफर्स टू ए ड्रामेटिक कंपोजिशन ऑफ सोरफुल नेचर इन्वॉल्विंग फॉल एंड डेथ ऑफ हीरो। देखिए, व्हाट डिड द वर्ड ट्रेजेडी मीन ओरिजिनली, मतलब ट्रेजेडी का जो ओरिजिनल मीनिंग होगा वो क्या होगा। तो ओरिजिनल मीनिंग तो यही होगा कि ये एक बहुत सोरफुल एंडिंग इसमें होती है, पूरे इवेंट्स बहुत दुखद होते हैं, ऑडियंस को उदास करते हैं और उसमें मेन हीरो या हीरोइन का डाउनफॉल होता है, कैरेक्टर का पतन होता है और डेथ हो जाती है, उसी को हम ट्रेजेडी कहते हैं। और विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ में तो हम ऐसा ही देखते हैं कि मेन या हीरो या हीरोइन की डेथ होगी। आपने ओथेलो पढ़ा थर्ड सेमेस्टर में, आपने मैकबेथ देखा, किंग लियर पढ़ा, तो आप अच्छे से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉमेडी। कॉमेडी से भी 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है और कॉमेडी पर भी फुल वीडियो मैंने बना दी है। ए कॉमेडी इज़ ए लिटरेरी कंपोजिशन ऑफ एम्यूजिंग कैरेक्टर्स। चलिए, अब दिख रहा है ना, हाँ चलिए,
आई एम यूजिंग कैरेक्टर्स विद ए हैप्पी एंडिंग. इसमें एंडिंग हमेशा हैप्पी होती है. क्या होती है? हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है इसमें. जबकि ट्रेजेडी फुल तरीके से अपोजिट होती है कॉमेडी की. देखिए, कॉमेडी हो या फिर ट्रेजेडी हो, ये क्या है? ड्रामा है, ड्रामा ही है. अब ड्रामा का ये सब अलग अलग से टाइप्स हैं जो आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं. जो चीज़ें हम पिछले बार पढ़े होते हैं वही चीज़ें हमें आगे मिलती हैं, ये बात तो आपको पता है. ताकि आप उस चीज़ को जानते रहेंगे तो आगे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा. तो आप फर्स्ट सेमेस्टर से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं हमारे साथ, उम्मीद करती हूँ हमारे चैनल से आप अच्छे से पढ़ते होंगे और अच्छे से तैयारी करते होंगे एग्ज़ाम की. मेरा पूरा कोशिश यही रहती है कि मैं बस आपको ऐसे वीडियोस प्रोवाइड कराऊं अपने चैनल के थ्रू कि आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल हो. और मैं हमेशा वैसे ही वीडियोस आपको प्रोवाइड कराती हूं. हमारा चैनल बेस्ट है बीए के लिए. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% ये क्वेश्चन भी आना ही आना है. टॉप लेवल का ये क्वेश्चन मैं अब आपको बताने जा रही हूँ. ऑगस्टन रोम से रिलेटेड, क्योंकि ऑगस्टन एज से रिलेटेड. ऑगस्टन एज जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए. और यहाँ से भी दो तीन क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट के मिला करके. चलिए देखते हैं, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट लिटरेरी जेंडर्स द ऑगस्टन एज. ऑगस्टन एज के इम्पॉर्टेंट लिटरेरी जेंडर्स कौन से हैं? द ऑगस्टन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज़ फेमस फॉर सैटायर, वीट एंड रोमन फॉर्म्स. देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका ये कि ऑगस्टन रोम की जो फेमस लिटरेरी जेंडर्स हैं वो कौन कौन सी हैं. तो ये 100% आना ही आना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. तो ऑगस्टन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज़ फेमस फॉर इंग्लिश लिटरेचर में ये फेमस है फॉर सटायर. सटायर का मतलब होता है हास्य व्यंग. विट मतलब होता है बुद्धि. रोमन फॉर्म का मतलब होता है रोमन का रूप. तो इन सारी चीज़ों के लिए ऑगस्टन एज बहुत ज़्यादा फेमस है इंग्लिश लिटरेचर में. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ द ऑगस्टन रोम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखिए, ऑगस्टन एज का व्हाट वाज द इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ ऑगस्टन एज. ऑगस्टन एज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट कौन से हैं? तो द डेवलपमेंट ऑफ सटायर एज ए मीन्स ऑफ रिडिक्यूलिंग द पॉलिटिक्स ऑफ द डे. वर्तमान समय की, यानी कि ऑफ द डे, वर्तमान समय की राजनीति का उपहास करने के साधन के रूप में हास्य व्यंग यानी सटायर का डेवलप हुआ ऑगस्टन एज में. तो ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा है. चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है. क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ ऑगस्टन एज. इसकी पीरियड कौन सी है, किस टाइम पीरियड में को हम ऑगस्टन एज कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर में? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फर्स्ट हाफ ऑफ 18th century, 18वीं सदी का पहला भाग, ये ऑगस्टन एज के लिए इंग्लिश लिटरेचर में जाना जाता है. अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इट इज़ कॉल्ड द ऑगस्टन एज. सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि ऑगस्टन एज कहा क्यों जाता है. इस एज का नाम ऑगस्टन एज कैसे पड़ गया, जो 18वीं सेंचुरी का फर्स्ट हाफ पीरियड था उसका नाम ऑगस्टन एज क्यों पड़ा, इसको इंग्लिश लिटरेचर में क्यों ऑगस्टन एज के ही नाम से जाना जाता है. तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको जानना ज़रूरी है. अगर आप आगे मास्टर भी इंग्लिश लिटरेचर से करके PhD करना चाहते हैं तो ये सब कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. द 18वीं सेंचुरी इज़ नोन एज द ऑगस्टन एज बिकॉज ऑफ द रोमन एम्परर ऑगस्टस. देखिए, जो 18वीं सेंचुरी के टाइम में रोमन एम्परर थे, रोमन सम्राट थे जिनका नाम था ऑगस्टस, उन्हीं के नाम पर 18वीं सेंचुरी को ऑगस्टन एज का नाम दे दिया गया. इसलिए 18वीं सेंचुरी को ऑगस्टन एज के नाम पर जाना जाता है. किन के नाम पर? रोमन एम्परर थे, रोमन सम्राट थे जिनका नाम था ऑगस्टस, उन्हीं के नाम पर 18वीं सेंचुरी को ऑगस्टन एज कहा जाता है. सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं वो 100% इम्पॉर्टेंट हैं. और यूनिट नंबर 1 से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया. अब बची आपकी केवल 7 यूनिट्स, उन पर भी मैं जल्द वीडियो अपलोड करूँगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा ही आपके हर एक सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, तो आप विजिट करके ज़रूर देखिएगा. और बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कैसा आएगा,
तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगी, तो वहाँ से जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी उनको आपको तैयार कर लेना होगा, सभी के आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी बस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।